शंख कुंडरे गाधैवा मना। तो ये देखो एक कुंड है और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। लक्ष्मण है, बोला था कि जैसे लाइब्रेरी पार्टनर, तो वो फिलहाल कलाहंडी से है। कलाहंडिया मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। जो पत्थर है सारे थोड़ा व्हाइट कलर का दिख रहा होगा आपको। देख पा रहे होंगे कि वो पूरी तरह से हीराकुद डैम की वो उधर से आप देख पा रहे हैं, वो रेंगाली से स्टार्टिंग होके आप इधर से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग्स। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे और एक नए ब्लॉग पे। और आज हम एक और एक नेचुरल प्लेस पे आ चुके हैं। तो ये कौन सा नेचुरल प्लेस है, आप लोग बने रहिए चैनल पे और देखिए इस नेचर का खूबसूरती क्या है। तो बने रहिए चैनल पे और उससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि YouTube भी थोड़ा रिकमेंड देता है और रीच भी जाता है। और मुझे भी बहुत खुशी लगता है कि संबलपुर का जो ये जो टूरिस्ट प्लेस है सारे बहुत दूर दूर तक रीच हो रहा है। तो बने रहिए चैनल पे और जो लोग इंस्टाग्राम पे भी नहीं है तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिए, ताकि फेसबुक पे जैसे यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ हर दूसरे दिन मैं अपलोड कर देता हूँ फेसबुक पे। तो मेरे वेबसाइट की तरफ देख रहे हैं, टॉप फ्लोर है तो उस तरफ हम जा रहे हैं। तो कैसा रहा जर्नी, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, उससे पहले चैनल को लाइक्स कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बने रहिए चैनल पर। हम आ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और मेरे साथ लक्ष्मण है, लाइब्रेरी पार्टनर। और अभी हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो आगे बने रहिए ब्लॉग के साथ। फाइनली लक्ष्मण और मैं पहाड़ के आधे बीच पे हो चुके हैं और बीच में कुछ लड़के मिले और वो बोले कि यहीं पे वो इसी तरफ से वो जाते हैं वो पहाड़ की तरफ। और हमारे टॉप साइड पे है वो पहाड़, मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत बार मैं आ चुका हूँ डाई की तरफ, बट मैं चांदली पहाड़ पे कभी आया नहीं था। तो फाइनली मैं चांदली पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ और ये हिंदी ब्लॉग्स फाइनली रहेगा चैनल पे, क्योंकि डिमांड सबका है। और अगर आप संबलपुरी पे ब्लॉग बनाने के लिए बोल रहे हैं तो
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि भैया संबलपुरी से ब्लॉग बनाइए। जितना ज़्यादा कमेंट संबलपुरी का होगा तभी संबलपुरी का ब्लॉग मैं अपलोड करूँगा तब से। और मेरा जब ब्लॉग बनाने का टाइम जब स्टार्टिंग हुआ था, जब से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये सोच के बनाया था कि मेरा कंटेंट दूर दूर तक पहुँचे, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया तक पहुँचे। और अभी बाहर की स्टेट की तरफ जितने भी दोस्त हैं वो लोग देखते हैं मेरा ब्लॉग, हालांकि इतने नंबर पे नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट पे है मेरे दोस्त, तो वो लोग डिमांड करते हैं कि भैया और आप आपका जो एरिया है आप उसको हिंदी में कंटेंट दीजिए ताकि हम भी समझ पाएँ। और इसलिए मैं हिंदी कंटेंट स्टार्टिंग से दे रहा हूँ। हालांकि मैं संबलपुर से हूँ तो संबलपुरी मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी भाषा को बोल बोल के मैं बड़ा हुआ हूँ, अब तक बहुत पसंद भी है संबलपुरी भाषा मुझे। तो आप लोग जैसे मेरे इस जर्नी पे सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से सपोर्ट कीजिए। और संबलपुरी प्लेस, संबलपुर का जितना भी टूरिस्ट प्लेस है, नेचर प्लेस है, जितना भी एक्सप्लोर करता हूँ, आप लोग उसको हिंदी में देख सकेंगे। हालांकि कंटेंट का टाइटल, कंटेंट का हैशटैग जितना भी रहता है वो सारा संबलपुरी पे रहता है, इसलिए संबलपुर का लोग भी देखते हैं और आसपास वेस्टर्न ओडिशा का, उड़ीसा के भी देखते हैं। हालांकि उतना व्यूअरशिप नहीं जा रहा है क्योंकि मैं बहुत लेट से कंटेंट देता हूँ और यूट्यूब उतना भी रिकमेंड अभी नहीं कर रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए ताकि वीडियो और रीच मिले और भी लोगों के पास पहुँचेगा वीडियो। तो आगे देखते हैं और क्या कुछ है, तो बने रहिए ब्लॉग्स पे। और रास्ते पे ये हमको कुछ टेंपल देखा, बाबा ठीक से शो नहीं हो रहा है, बाबा वंकुंड क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है चलो सो, बाबा समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, बाबा कुंडोरे, नहीं बाबा, अच्छा अच्छा हाँ, बाबा का कुंडोरे गाधेबा मना। तो ये देखो एक कुंड है और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे आई थिंक ये हाँ शिव पार्वती का टेम्पल है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत खूबसूरत जगह है संबलपुर पे, हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। और ये कुंड है और यहाँ पे लिखा हुआ कि बाबांग कुंड रे गाधैवा मना, उड़िया पे लिखा हुआ है। तो आप लोग जब भी आएंगे इस मंदिर को भी आप देख पाएंगे। और आगे की तरफ देखिए वो टॉप पे हम जाने वाले हैं, हम फिर भी 1 किलोमीटर आ चुके हैं, फिर भी आप देख पा रहे होंगे दूर तक छोटा छोटा इंसान लोग हैं। हम उतने दूर अभी चढ़ेंगे पहाड़, और ये चांदली पहाड़ बोलते हैं इसको। तो बने रहिए चैनल पे। अभी हम चढ़ रहे हैं फिर, और पसीना से नहा चुके हैं हम दोनों। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा हमको, चांदली पहाड़ बहुत एडवेंचर पहाड़ है ये। और पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे वो हीराकुड डैम है, हम बुल्ला साइड की तरफ आए हैं और इसको चांदली पहाड़ बोलते हैं। और अब लोग ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, आगे देखते हैं। फिलहाल हम टॉप पे नहीं पहुंच रहे हैं, टॉप तो वहाँ पे उधर कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं, उधर हम जाएंगे। और पीछे तरफ देखेंगे तो पहाड़ी पहाड़ है, और वो जो डैम देख रहे हैं वो हीराकुद डैम है बुल्ला साइड की तरफ। और वो जो पहाड़ दिख रहा है वो डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है,
पर ज़्यादातर टूरिस्ट संबलपुर के तरफ से जाते हैं। तो फिलहाल तो थकावट बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम चढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन जो वहाँ है। अब लोग ब्लॉग कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और ताकि ऐसे ऐसे एनर्जेटिक वीडियो बनाने के लिए मुझे हौसला मिलेगा। और मैं कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिलता है मैं ब्लॉग के लिए शूटिंग करता हूँ। और यहाँ का थोड़ा ये जो पत्थर है सारे थोड़ा व्हाइट कलर का दिख रहा होगा आपको, इसमें किस टाइप का साइंटिफिक नॉलेज है मुझे तो पता नहीं पत्थर क्यों व्हाइट दिख रहा है। इसमें चून का तो क्वांटिटी होगा तो चूना पत्थर बोलते हैं, बट जो लोग पता होगा कि क्यों व्हाइट है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए चांदली पहाड़ का ये पत्थर क्यों व्हाइट है। आप लोग बने रहिए हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे कि मेरे साथ अभी मेरे साथ लक्ष्मण है, बोला था कि जैसे लाइब्रेरी पार्टनर, तो वो फिलहाल कलाहंडी से है, कलाहंडिया पीला। तो चलो लक्ष्मण से कथा लगा वहीं केंदा लागूचे। लक्ष्मण केंदा लागूचे आज चांदली पहाड़ आसिकिरी। हाय, एक्सप्रेस करो। एक्सप्लेनेशन करवा लागि तो मते जते पेशेंस थिबा कथा आज मोर पेशेंस आज हरे बसी छे। बाकी जेन जोस ओडे आज आसी कर जेन पाई छे ना, तो एक्स्ट्रा जो जेंडा ऊपर ओडे टॉप फ्लोर रे अछे, तो टॉप फ्लोर के जेंटा करबे जीवा लागि मोर इरादा थिला मा जगह किने, तो से लागि टिके आके टिके जीवा लागि बहुत प्रयास करू छु, फिर भी देखो तो थकावट लागु छे बहुत। बाकी हमर आनंद ब्रो तांकर संग पूरा तांकर जते मोटिवेट दउ छन ना, बहुत दिन परे ट्रैवलिंग होउछे, गोटे एडवेंचर हो जाऊे। एमती भी आज संडे है तो इवनिंग रे कण करमु, चलो किसी नेचर एक्सप्लोर कर दूँ। आउ संबलपुर तो प्राय जगह मुझे एमती भी देखी सारे न, बाकी एटा नहीं देखी थी, तो चलो आके देखूँ। टॉप फ्लोर पे इधर पास हो चुके हैं हम, तो चलते हैं ब्लॉक की तरफ।
टॉप प्लेस पे आ चुके हैं। चांदनी पहाड़ का ये टॉप पॉइंट है और यहाँ पे बहुत सारे आए थे टूरिस्ट और बहुत सारे ऐसे ही लड़के मतलब यहाँ पे एडवेंचर के लिए आ जाते हैं। और बहुत हाई है नीचे की तरफ और ये बुल्ला है और उधर वो आप संबलपुर को पूरी तरह से देख सकते हैं इस पहाड़ से, चांदनी पहाड़। यहाँ से स्टार्ट करके आप नीचे भी देख सकते हैं बोरा संबलपुर, जो महानदी वो दिख रहा है, महानदी के उस तरफ संबलपुर। और ये जो देख रहे हैं ये वाला बुल्ला साइड है और जो बड़ा बड़ा वो जो बिल्डिंग दिख रहा है अब वो जो हमारा बुल्ला का हॉस्पिटल है। और ये जो देख रहे हैं ये संबलपुर यूनिवर्सिटी ये है। और उस तरफ देख पा रहे होंगे कि वो पूरी तरह से हीराकुंड डैम भी वो उधर से आप देख पा रहे होंगे, वो रेंगाली से स्टार्टिंग होकर आप उधर से देख पा रहे होंगे पूरा पूरी हीराकुंड डैम। और वो जो उधर का पॉइंट जा रहा है वो छत्तीसगढ़ साइड से आ रहा है, जो हीराकुंड डैम का पानी, महानदी का पानी। और उधर मतलब पूरा हीराकुंड डैम और इस तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो टेपरीगढ़ है, हीराकुंड डैम का वो जो गेट है, एक तो बुल्ला साइड का इस तरफ है और वो दूसरा वाला वो है। आप पूरी तरह से देख पा रहे होंगे संबलपुर का ब्यूटी, यहाँ से चांदनी पहाड़ से पूरी तरह से आप संबलपुर को देख पा रहे होंगे। उधर जंगल ही जंगल और वो वाला जो जंगल देख रहे हैं हमारा गाँव इस तरह उस तरफ है। हालाँकि मैं अभी संबलपुर पर हूँ और फिर भी हम 2 किलोमीटर हो जाएगा शायद 2-3 किलोमीटर हो जाएगा हम इधर चढ़ के आए हैं चांदनी पहाड़ की तरफ। और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल नेचर है यहाँ पे। और आप लोग जैसे बोलते हैं कि संबलपुर ही पे ब्लॉग कीजिए भैया, तो क्या होता है ना, जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ तब से मैं हिंदी पे स्टार्ट किया हूँ, तो और टाइटल वगैरह सब कुछ यहीं का प्लेसेस है, तो यहीं का टाइटल यहीं का टैग देता हूँ तो यहीं का लोग देखते हैं। फिर भी जो मेरे आउटसाइड स्टेट की तरफ जितने भी दोस्त हैं, ऐसे कि नेपाल से भी कुछ दोस्त हैं, वो लोग भी देखते हैं चैनल को। महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली से है, वो लोग देखते हैं, दोस्त लोग हैं। और हिंदी पे भी ब्लॉग है तो वो लोग भी देखते हैं, तो हिंदी सबके लिए मतलब समझने के लिए बहुत ईजी होगा। हालाँकि संबलपुरी को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरा जन्म से हिंदी संबलपुरी ही बोलता हूँ। तो आप लोग संबलपुरी भी बीच बीच में बोलूँगा, जैसे कि कुछ व्यूअरशिप कुछ एक भैया भी कमेंट किए थे कि भाई बीच बीच में संबलपुरी भी उसको इंक्लूड कीजिए, तो संबलपुरी भी इंक्लूड करूँगा, जैसे कि आज की ब्लॉग भी संबलपुरी को थोड़ा इंक्लूड किया हूँ। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, बहुत सारा प्यार दीजिए चैनल को। और जैसे ही मेरे जर्नी में आप लोग ऐसे ही जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए और ब्लॉगिंग का एंजॉय कीजिए। तो फाइनली आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज के ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। उससे पहले चैनल को लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और ऐसे ऐसे नया नया एक्सप्लोर करके एनर्जेटिक वाला ब्लॉग आपके पास पहुंचा सकूं। तो आज का ये चांदनी पहाड़ ब्लॉग था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नेचुरल प्लेस है यहाँ पे। जैसे कि मेरे बैक साइड देख रहे हैं अच्छा सनसेट भी यहाँ पे, ब्यूटीफुल सनसेट है यहाँ पे हीराकुंड डैम के ऊपर, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जैसे कि लैंग्वेज का इशू था कि ब्लॉग हिंदी में आएगा कि संबलपुरी में, तो फाइनली ब्लॉग हिंदी में ही आएगा, बट बीच बीच में संबलपुरी को ऐड ही करूँगा, जैसे कि डिमांड था कुछ व्यूअर्स का। और ऐसे ही मेरे जर्नी में आप लोग सपोर्ट कीजिए और जर्नी कहाँ तक पहुँचता है देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।